माँ बेटी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मैदा के लड्डू। इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी मैदा, एक छोटी कटोरी चीनी का भूरा, घी छोटी कटोरी, गरी का बुरादा आधी कटोरी। मैंने ऑन कर ली है और अपना घी डाल देते हैं एक कटोरी। घी गरम हो जाए तो मैदा डालेंगे। दोनों चीजों को अच्छे से भूंजेंगे। मैदा हमारी हल्की गुलाबी रंग होने लगी है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम गैस बंद करेंगे और मैदा को ठंडा करेंगे। मैदा हमारा ठंडा हो गया है तो हम इसमें चीनी का भूरा मिलाएंगे और गरी का बुरादा डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे कोई कलर नहीं डाला है, आप चाहें तो इसमें अपने पसंद का कलर डाल सकती हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। जैसे बेसन के लड्डू बनाते उसी तरीके से ही हम बना लेंगे। लड्डू हमारे तैयार हैं। इस पे हम थोड़ा सा बादाम लगा देते हैं। और इसकी अब हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग हमारी हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।